राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्य समिति में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सीपीए एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन एक्सलेंसी यान लिडेन गेंगर जी, विभिन्न देशों से आए सीपीए एग्जीक्यूटिव कमिटी के एक्सलेंसी मेंबरगण, सेक्रेटरी जनरल, असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे अपर हाउस राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, असम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय देवव्रत सेकिया जी, विभिन्न राज्यों से आए हमारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापतिगण, असम सरकार के माननीय मंत्रीगण, लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, जैसा कि हमारे स्पीकर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया, यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति, एक समृद्ध इतिहास, मनोरम घटाएं, ब्रह्मपुत्र नदी, माता कामाख्या का मंदिर, ऐसी विशेष बहु रंगी यहाँ की संस्कृति है। और आप जब अलग अलग प्रदेशों में यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर रही है। मैं असम के पूर्वोत्तर द्वार गुवाहाटी में आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस प्रदेश के सभी वर्तमान और भूतपूर्व नेताओं, यहाँ रहे मुख्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों, जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनके कारण हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हुई, लोकतंत्र सशक्त हुआ, उन सबको स्मरण करते हुए उनको मैं साधुवाद देता हूं। सीपीए एक विश्वव्यापी पूरे देश का संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को, नागरिकों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में एक चर्चा संवाद निर्णय करने का एक मंच है, जिसके माध्यम से हम विश्व के अलग अलग देशों के अंदर सम्मेलन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और सीपीए भारत रीजन भी विशेष रूप से सीपीए की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। सीपीए का भारत रीजन, जिसमें समय समय पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम संसदीय लोकतंत्र
और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाएं, कैसे जवाबदेही बनाएं, ताकि ये संस्थाएं जनता का अधिकतम कल्याण कर सके। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है, एक समृद्ध लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक सबसे कार्यशील जीवंत लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से शासन को चलाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला और सबसे ज्यादा देश में गांव से लेकर केंद्रीय स्तर तक हमारा लोकतंत्र प्रभावी है, जीवंत है, जवाबदेही है और जनता से सीधा संवाद कर प्रभावी परिणाम देता है। इसीलिए आपने सही कहा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कि भारत के लोकतंत्र को एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में दुनिया देखती है। आज हम दो दिन इंडिया रीजन के सभी पदाधिकारीगण उन विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस तरीके से उस चर्चा संवाद का परिणाम निकले ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो सके। इस कॉन्फ्रेंस के दो विषय हमने रखे हैं कि किस तरीके से हमारी विधानमंडलों के माध्यम से समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य में विधायकों की भूमिका हो, इन संस्थाओं की भूमिका हो और उसमें किस तरीके से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए हमारे युवा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इन आकांक्षी वर्गों को किस तरीके से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं में नौजवानों की अधिकतम सक्रिय भागीदारी बढ़े, इस विषय पर हम दो दिन चर्चा करेंगे। साथियों, विधायक का मूल दायित्व समाज के उन आकांक्षी वर्गों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमारी विधायिका विशेष भूमिका निभाती है और इसीलिए हमारे विधायक गण, हमारे सांसद गण विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, अन्य विधानमंडलों के अंदर समय समय पर इन आकांक्षी वर्गों के लिए अपनी आवाज बनते हैं। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनको सपनों को इन विधानमंडलों के अंदर रखते हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने इस देश में उस समय महिला शिक्षा, दलित वंचित गरीब लोगों को शिक्षा मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। 14 को बाबा अंबेडकर जी की जयंती भी है और हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव फूले जी, बाबा राव भीमगढ़ अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर शोषित वंचित लोगों की एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से इस देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के वंचित, गरीब, शोषित व्यक्तियों को न्याय मिले,
आकांक्षी वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए संविधान के अंदर मूल रूप से हमें एक अधिकार दिया है कि हम किस तरीके से उन वंचित गरीब व्यक्तियों को समानता का अधिकार दे सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो ये भारत का संविधान आज दुनिया का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संविधान हमारा है, गतिशील संविधान है और हम सबके लिए मार्गदर्शक की भूमिका आज भी निभा रहा है। और इसीलिए इसी संविधान के कारण भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, क्योंकि संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन मूल में रखा गया। और संविधान निर्माता करने वाले हमारे मनुष्यों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे हर शासन पद्धति के अंदर जनता मूल में रहनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है, हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, युवाओं महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इससे जनता का विश्वास और भरोसा लोकतंत्र के प्रति और बड़ा है। अब हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से उन वर्गों के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बाबा साहब के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आकांक्षी जिलों की योजना बनाई थी, ताकि जो हमारे देश के जो जिले पिछड़े रह गए हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से उन अग्रणी जिलों से पीछे रह गए हैं, उन आकांक्षी जिलों के अंदर और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आकांक्षी वर्गों के लिए एक व्यापक योजना बने। इसलिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वहाँ का बुनियादी ढांचा हो, कौशल विकास हो, ऐसे कई तरीके की व्यापक योजना बनाई है जिसके माध्यम से उन आकांक्षी जिलों को और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आकांक्षी वर्गों को हम समानता की ओर ला सके। इसके लिए हमें विशेष रूप से अपने अपने विधानमंडलों के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, चाहे वह आकांक्षी पंचायतें हों, चाहे आकांक्षी नगरपालिका हो, चाहे आकांक्षी जिले हो, तहसील हो, उसके लिए भी व्यापक रूप से चर्चा और संवाद करना चाहिए, ताकि हम प्रदेश के अंदर उन जिलों को, उन पंचायतों को, उन पंचायत समितियों को, नगरपालिकाओं को एक समकक्ष लाने का काम करें। इसके लिए हमें व्यापक चर्चा और संवाद करने की आवश्यकता है। साथियों, ये वर्ष आज़ादी का अमृत वर्ष है और हम आज़ादी के 75 वर्ष प्राप्त करने जा रहे हैं। इस आज़ादी के आंदोलन में हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हमारे उस समय के नौजवानों ने, जिनकी उम्र 18 साल थी, 22 साल थी, इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और अपने जीवन को सर्वोच्च राष्ट्र के नाम नौछावर किया। इसलिए हमारे युवाओं की उस समय भी, देश की आज़ादी के आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमिका थी। और इस 17 दशकों के अंदर आज भी, जब जब भी इस देश के अंदर व्यापक बदलाव आए, उस बदलाव के अंदर हमारे नौजवानों की विशेष भूमिका रही है। वो हमेशा बदलाव के मुख्य वाहक के रूप में रहे। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा के अंदर उन जो नौजवानों को किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निकालने के लिए प्रेरित करें। और इसके लिए अब समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्य क्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। इसलिए
इस समय परिस्थिति के अनुसार एक आवश्यक है कि हमारे नौजवानों का हम हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरीके से ज्यादा प्रभावी रूप से उनको लाकर हमारी समस्याओं और चुनौतियों को समाधान करें। ये बात सही है कि आज़ादी के इस 75 साल के अंदर हमारी जितनी कठिनाइयां हों और चुनौतियां हों उनका सॉल्यूशन करने का काम, समाधान करने का काम, सरल रूप से जनता को पारदर्शिता शासन में लाने में काम किया है, उसमें देश के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसलिए मेरा विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह है कि हम हमारे विधानमंडलों के अंदर और विधानमंडलों के माध्यम से किस तरीके से देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी इस लोकतंत्र के अंदर निभाने के लिए काम करें। और मुझे आशा है कि हम सब लोग अगर सामूहिकता के साथ इस काम को करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो ये मैं कह सकता हूं जितनी ज्यादा लोकतंत्र में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी उतना लोकतंत्र सशक्त होगा, शासन जवाबदेही बनेगा, प्रशासन पारदर्शी बनेगा। और इसीलिए इस युवाओं की अद्भुत क्षमताओं को हमें उपयोग में लेने की आवश्यकता है। इसलिए विधानमंडलों के माध्यम से कल एग्जीक्यूटिव में भी व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, हमारे कई माननीय सदस्यों का आग्रह था कि हम अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से अपने अपने प्रदेश के अंदर एक व्यापक योजना इस अमृत महोत्सव के माध्यम से बनाएं, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हमारा नौजवान जाने। और इस समय जब आज़ादी के 75 साल हो गए तो जिस तरीके से आज़ादी दिलाने में हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान था, इस 7 दशक के बाद इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारे नौजवानों का इस देश और राष्ट्र के प्रति सबसे ज़्यादा कर्तव्य हो और राष्ट्र समर्पण सेवा से काम करे, इस दिशा की ओर हमें एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है 2 दिन हमारे इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, संवाद होंगे, सभी माननीय पीठासीन अधिकारी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और विचारों के माध्यम से जो मंथन निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मुझे आशा है ये 2 दिन का अमृत आने वाले समय के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में निकले, हम जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं उनके सपनों को पूरा कर सकें और जिन अपेक्षा आकांक्षाओं से हमें लोगों को चुनकर भेजा है उनकी अपेक्षा आकांक्षा इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से हम पूरी कर पाएंगे। मैं पुनः आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जय हिंद।